इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो है जो ऑपरेंड पे ऑपरेट करे। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज साइन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर से पहले ये हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज नोन एज एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, तो ए क्या है? ऑपरेंड, ऑपरेंड। बी क्या है? ऑपरेंड है, लेकिन ये जो प्लस का साइन है इसे ऑपरेटर कहते हैं। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज नोन एज एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर इक्वेशन की बात आती है तो अगर हम इक्वालिटी साइन लगा दें, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से कई तरीके के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन। जिन ऑपरेटर से मिला के हम एक्सप्रेशन को जनरेट करेंगे उस तरह का वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, इसको बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसलिए बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं कि ये दो ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। तो सिंबल मीनिंग, तो इसमें प्लस हो गया इसे कहते हैं, ऐड के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई डिवीजन, डिवीजन के लिए, और ये जो ऑपरेटर होगा इसको कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जो रिमाइंडर होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इस तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल किया होगा कि ये दो नंबर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में आता है, फिर दो नंबर को घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस के लिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम लोग ए इक्वल टू टू ले लें, बी इक्वल टू थ्री ले लें, तो एडिशन कर सकते हैं। ए प्लस बी, मान लीजिए ए प्लस बी यहाँ सी में हम लोग स्टोर कर दें, तो इस तरह से जो वैल्यू आएगा माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान देने की बात यह है डिवीजन और मॉड्यूलस साइन जो कि रिमाइंडर का काम करता है, रिजल्ट आता है। तो डिवीजन का मतलब सपोज ए इक्वल टू सिक्स एंड बी इक्वल टू टू, देन ए बाई बी जो सी की वैल्यू आएगा, तो इसमें डिवीजन में कितना आएगा? ए बाई बी मीन्स सिक्स बाई टू थ्री, और इसी तरीके से ए बाई बी ये आ जाएगा ए रिमाइंडर बी, मतलब मॉडुलस अगर लगा देंगे तो जो रिमाइंडर ए में डी का बी का डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो जीरो आएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर सेकंड है, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर उस समय काम करता है जब दो वैल्यूज के बीच में हम कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या उसका रिलेशनशिप है। तो सिंबल और मीनिंग, तो इसमें इस तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और वी कैन से इक्वल साइन,
इक्वल। तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वलिटी, ये चेक करेगा। इसी तरह से ये एक और है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल को चेक करेंगे। तो इस तरह से ये सब है रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ जरूरत होगा दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो ये सारे प्रोग्रामिंग में समय के हिसाब से इस्तेमाल होगा, जैसे लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, लेस इक्वालिटी ऑफ टू नंबर, तो ये सारे। थर्ड है, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में ये एंड और नॉट, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, इसको पढ़ते हैं ए एन डी, कैपिटल एंड और ओ आर और ये नॉट। तो एंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम दो या दो से अधिक कंडीशन को, एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक कोई ट्रू है तो। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक कंडीशन है एंड लगा दिया दूसरा कंडीशन, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हाई स्कूल पास है और एज 18 से ज़्यादा है तभी ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। तो ऐसे केस में दोनों कंडीशन कंपलसरी है, फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से और का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, तो और का इस्तेमाल करेंगे उस केस में जब कोई भी एक कंडीशन दो में से ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वो ट्रू माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लड़का, कोई भी स्टूडेंट हाई स्कूल पास है और एज 18 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। तो ऐसे केस में हम और का इस्तेमाल करते हैं। नॉट का मतलब हो रहा है जस्ट इन्वर्ट कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि हम असाइन करते हैं, तो सिंबल मीनिंग। तो असाइनमेंट में ये सिंपल असाइन कर देता है, असाइन मीन्स राइट हैंड साइड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड असाइन कर देता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी है, फिर ये मॉडुलस ये। तो इसमें क्या करता है कि ऐड ऐड देन असाइन, फिर यहाँ है सब्ट्रैक्ट देन असाइन, मल्टीप्लाई देन असाइन, डिवाइड देन असाइन, फिर रिमाइंडर देन असाइन। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि असाइन कर देगा, ये क्या करेगा दो एक्सप्रेशन को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद फिर वो असाइन कर देगा इस तरह से, फिर सब्ट्रैक्ट करके असाइन करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड देन असाइन, रिमाइंडर देन असाइन, ऐसे ही ये असाइन कर देगा। फिर फिफ्थ है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर, इसका नाम इसलिए यूनरी पड़ा हुआ है कि एक ऑपरेंट पे काम करेगा जो ऑपरेटर, उसे कहेंगे यूनरी ऑपरेटर।
इसमें क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर में सिंबल मीनिंग, तो इसमें सपोज प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस का मतलब हो रहा है कि इंक्रीमेंट, अब माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट, मीन्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में ये हम लोग देखते हैं कि दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है ए प्लस प्लस और एक होता है प्लस प्लस ए। इसका मतलब होता है, ए प्लस प्लस का मतलब होता है यूज देन इंक्रीमेंट, यूज देन इंक्रीमेंट, और यहां पर होगा इंक्रीमेंट देन यूज, इंक्रीमेंट देन यूज। तो इन दोनों का काम ये है कि जैसे ये क्या करेगा, सबसे पहले यूज कर लेगा, अगर a इक्वल टू 10 है तो ये क्या करेगा, मान लीजिए x इक्वल टू a प्लस 5 ये है, तो a की वैल्यू ये क्या करेगा ऐड कर देगा और फिर उसके बाद a में इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसका मतलब ये a मतलब 10 और ये 5 15 और आगे a का वैल्यू 11 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से इसमें क्या है, तो x इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 5, इसमें क्या करेगा, ए की वैल्यू अगर 5 है तो ये 10 है तो ये 11 कर देगा, 11 प्लस 5 16 ये हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू ए की पहले ही से इंक्रीमेंट रहेगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं यूनरी ऑपरेटर को। तो अब देखिए इसमें यही यूनरी ऑपरेटर के बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। सिक्स्थ टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर में या कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या इसी को कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी। इसका नाम टर्नरी इसलिए पड़ा कि ये तीन ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। जैसे सिंटेक्स है इसका, मान लीजिए एक्सप्रेशन 1 ये, एक्सप्रेशन 2 फिर ये कोलन एक्सप्रेशन 3, इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि अगर यहाँ पर ये एक तरीके से इफ एल्स वाले कंडीशन को फॉलो करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे हम इसमें लिख लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो ए एल्स बी, कहीं स्टोर करा दीजिए सी में, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए को रिटर्न करेगा, अगर ए लेस है मीन्स फॉल्स है कंडीशन तो बी को सी में स्टोर करेगा, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। सेवेंथ है साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या होता है कि किसी भी डेटा टाइप के साइज को कैलकुलेट करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट, सपोज एक वेरिएबल ले लें इंट एल, तो एल को जब प्रिंट करेंगे तो एल की वैल्यू आएगा 2, क्योंकि साइज ऑफ इंटीजर की वैल्यू होती है 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है साइज, तो ये एल प्रिंट करेगा, एल रिटर्न करेगा 2 बाइट। ठीक, तो फिर एट साइज ऑफ
एट। नेक्स्ट है एट कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा ऑपरेटर क्या है कि ये दो एक्सप्रेशन या दो से अधिक एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं एक से अधिक एक्सप्रेशन को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 10 है, तो हम लोग z इक्वल टू लिखते हैं x प्लस वाई कॉमा x प्लस प्लस और y प्लस प्लस। तो z की वैल्यू रिटर्न कर, z की वैल्यू रिटर्न करेगा 20, मतलब इधर से पहले यूज़ कर लेंगे, तो यूज़ करने के बाद इंक्रीमेंट होगा, यूज़ करने के बाद इंक्रीमेंट होगा, तो ये 20 रिटर्न कर जाएगा। इसी तरह से आप लोग चेक कर लेंगे कि प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस वाई क्या कॉम्बिनेशन है, इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक से अधिक एक्सप्रेशन को कॉमा साइन से हम या कॉमा ऑपरेटर से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो एट्थ। नेक्स्ट है नाइन्थ। नाइन्थ में बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि हर एक सिंगल बिट पर जो ऑपरेटर ऑपरेट करे वो बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है। जैसे सिंबल मीनिंग, यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर में ये लॉजिकल या बिटवाइज एंड, ये बिट वाइज एंड का इस्तेमाल करते हैं, ये बिट वाइज और का इस्तेमाल है, ये है कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, ये है एक्सक्लूसिव और, एक्स ओ आर या ई एक्स ओ आर का इस्तेमाल करते हैं, ये एक्सक्लूसिव और बिट। तो इसमें क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल बिट पे जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है उसे बिट वाइज। सपोज हम लोग ले लेते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे ए ले लें और बी ले लें, ए इक्वल टू टू और बी इक्वल टू थ्री, इस तरह से अगर हम लोग ले लें तो जो ए का मेमोरी जनरेट होगा इस तरह से, ए के लिए सपोज 3 बिट में आ जाएगा, तो 2 के लिए 0 1 0 बिट वाइज और ए, और इसी तरीके से अगर हम लोग ले लें बी के लिए ले लें 3 ऐसे, तो अगर हम लोग ये बी, तो सी के लिए अगर हम लोग ये मान लीजिए कि ले लेते हैं इस तरह से, तो अगर हम एंड ऑपरेट कर दें इस पे, तो एंड का मतलब होता है कि कोई भी एक इनपुट हाई है, कोई भी इनपुट लो है तो उसको लो कर देगा, मींस यहाँ से 1 0 0 कर देगा, 1 1 1 कर देगा, 0 0 0 कर देगा, तो ये आंसर आ जाएगा। सी को जब प्रिंट करेंगे अगर ए बी ए 2 दे दें बी 3, तो इसका आउटपुट आएगा 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम और को लगा दें इस तरह से, यहाँ पर और का इस्तेमाल कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा 1 0, ये 1 हो गया, 1 हो गया और ये 0 हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर, तो ये 3 हो गया आंसर। तो प्रिंट करने पर और मतलब इंडिविजुअल बिट पर, इसी तरह से हम लोग अगर एक्सक्लूसिव और का लगा रहे हैं, एक्सक्लूसिव और बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव और गेट में ये है कि जब इनपुट सेम होता है, व्हेन इनपुट सेम होता है आउटपुट लो होता है 0, और इनपुट सेम नहीं होता है तो आउटपुट हाई होता है। तो मतलब 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, और 0 0 0 हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव और गेट में वाई इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, इस तरह से ये काम करता है। अगर हम इसमें से 0 रख दें, इसको अगर
वन रख देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा, ये वन है तो ओवरऑल वन आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रेस हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव और गेट का ये होगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर ए इक्वल टू टू है, इस तरह से जीरो वन जीरो है, मतलब ए इक्वल टू टू जीरो वन जीरो, अगर हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सपोज बी में स्टोर कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वन का जीरो, जीरो का वन, वन कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वन जीरो वन, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आंसर फाइव ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर टेन, शिफ्ट ऑपरेटर, तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि ये लेफ्ट भी शिफ्ट करता है, राइट भी, लाइक सिंबल मीनिंग। तो इस तरह से अगर हम लोग करें तो ये राइट शिफ्ट है, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, शिफ्ट, और ये हम लोग लिखें इधर तो इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो अब देखिए, सपोज एक कोई भी वेरिएबल ले लें, ए इक्वल टू टेन ले लिया जाए, तो ये टेन के लिए जो वैल्यू होगा वन जीरो वन जीरो टेन। तो हम लोग जब राइट शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर ऑफ बिट हम लोग को बताना पड़ता है कि कितना बिट हमको शिफ्ट करना है। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, ए ऐसे सपोज टू लिख दिए, मान लीजिए इसको बी में स्टोर किए, इसका मतलब है कि ए के जो बिट्स हैं उसको दो बिट शिफ्ट करना है राइट के साइड में। तो इधर से ये शिफ्ट होके ये क्या बन जा रहा है, इस तरह से ये दो शिफ्ट हो गया, तो वन जीरो, यहाँ पर जो बचे हुए जगह हैं उसमें जीरो आ जाएगा, इट मीन्स इसका आंसर टू आएगा। अगर इसी तरह से हम लोग थ्री बिट को शिफ्ट कर रहे हैं, थ्री बिट, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बिट जो शिफ्ट होगा वो थ्री बिट शिफ्ट होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होकर ये वन आ जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा, ये तीन बिट। इसी तरह से यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ बिट को शिफ्ट करना है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट शिफ्ट को करें तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में इस तरह से अगर लिखें तो मीन्स दो बिट शिफ्ट करें तो इधर लेफ्ट साइड में दो बिट को वो शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से वन जीरो, बाकी ये जीरो जीरो आ जाएगा, इधर दो बिट शिफ्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन टू फोर एट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थ्री बिट शिफ्ट करना होगा तो थ्री बिट शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो सब अपने आप में ये नंबर ऑफ बिट जितना भी यूजर चाहेगा वो शिफ्ट कर सकता है। तो ये सब ऑपरेटर्स के बारे में है, इसके डिटेल जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसमें और डीपली इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। थैंक यू।